दोस्तों, मैं आज आपके साथ कल ही मेरे साथ घटित हुए एक एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पुणे से आफ्टरनून में क्लिनिक के लिए लौट रहा था। कुछ काम से पुणे गया हुआ था और वहाँ से मैं क्लिनिक के लिए लौट रहा था, तो तभी नीचे के मेडिकल वाले का फोन आया कि सर, आपके यहाँ पे पेशेंट बैठे हैं जो काफी एजेड है और गरीब भी दिख रहे हैं। तो वो क्लिनिक का टाइमिंग नहीं था, क्लिनिक खुलने के लिए काफी देर थी। उस दिन मुझे वैसे भी थोड़ा चिड़चिड़ ही फील हो रहा था, थोड़ा इरिटेशन फील हो रहा था। तो लौटते समय मैं सोचते रहा कि यार, वो पेशेंट गरीब है, ऊपर से वो पे भी नहीं करेगा, और प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं कि वो पेशेंट ऐसे पेशेंट पे नहीं करते, आपको हजारों सवाल पूछते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और जाते जाते आपको दो चार गालियां भी लगा जाते हैं कि आप सिर्फ देखने के पैसे लेते हैं। तो उसी इरिटेशन में मैं पुणे से लौटा। जैसे ही क्लिनिक में एंट्री करने लगा, तो तब वो जो माता जी थे, उन्होंने मुझे विश किया, गुड इवनिंग सर। मैंने एक नकली सी स्माइल देके मैंने क्लिनिक के अंदर एंट्री किया और मैंने उनके बारे में प्रिज्यूम क्या क्या किया था बताता हूँ कि वो पैसा नहीं देंगे, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे, हजारों सवाल पूछेंगे और जाते जाते मुझे बुरा भला कह जाएंगे। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने ऐसा परसीव किया था। तो मैडम जैसे ही एंट्री किया अंदर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे नमस्ते सर, और उन्होंने कहा कि बिफोर आई स्टार्ट ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा कि सर, मैं पुरानी मैट्रिक में मेरिट में आए थे। जो पुरानी मैट्रिक, मतलब उनका कहने का मतलब था कि जब पुरानी 10वीं रहती थी उसमें मैं मेरिट में आई थी। तो अभी मेरा परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो उनका दांत निकालना था, इंजेक्शन देने के पहले थोड़ी सी उन्होंने बातें शुरू की। उन्होंने कहा कि सर, मैं आर्टिस्ट भी हूँ और मैं नर्स भी रह चुके हूँ। धीरे धीरे उनसे मैं जब ज़्यादा बातें करने लगा, तो मुझे ऐसे पता चला कि वो तो एक एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। और वो हर चीज़ के बाद, सर आप मेरे बेटे जैसे हैं, सर आपका नाम मैंने बहुत सुना है। अब मेरा परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होने लगा। उन्होंने कहा कि सर, आपको बता दूं, मेरी उम्र 75 साल है और मैं और जैसे उनके साथ बातें करने लगा। वो अपने हस्बैंड के साथ आए थे, उनकी उम्र 81 थी और जैसे ही मैंने उनका दांत निकाला, तो उन्होंने कहा कि कितना हुआ। अब मेरा उनके बारे में परसेप्शन चेंज हुआ, हो गया था पूरा। मैंने कहा कि आपसे जो जमता है वो दीजिए, और मेरे सरप्राइज के लिए आपको बता दूं, मैं नॉर्मल पेशेंट को जितना चार्ज करता हूं उससे 2 गुना वो पैसे मुझे देने लगे। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि नॉर्मल पेशेंट को मैं जितना चार्ज करता हूँ दांत निकालने के लिए, उससे 2 गुना वो पैसे देने लगे। मुझे एकदम आश्चर्य हो गया।
मैंने उनसे हाथ जोड़े और मैं नॉर्मल पेशेंट को जितना चार्ज करता हूँ उससे हाफ ही पैसे उनसे लिए। फिर उनसे बातें हुई, उन्होंने कहा कि मेरे ये जो हस्बैंड है वो 81 साल के हैं, वो पहले अनाथ थे पर जब से मैंने उनका हाथ थामा अब वो अनाथ नहीं है। और जिस तरह से वो माता जी ने उनका हाथ पकड़ा था तो उन दोनों का प्यार नजर आ रहा था। और उन्होंने कहा भी कि सर आज के जमाने में शादियां ज्यादा और डिवोर्स भी ज्यादा होते हैं, और शादियां होती भी है तो वह सिर्फ नाम के लिए रिश्ते में लोग रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते। और मुझे ये भी पता चला मेरे साइड में जो कंप्यूटर का शॉप है उन सर से मुझे ये भी पता चला कि मैं आने के पहले वह माता जी ने पूरा वरंडा झाड़ू से क्लीन कर लिया था। होते हैं क्या ऐसे लोग आज के जमाने में, आप बताइए। इतने अच्छे, इतने कंपैशनेट, इतने लविंग, इतने केयरिंग, और जाते जाते वो माता जी मुझे आशीर्वाद देके गए कि मुझे पता ही नहीं चला दांत कैसे निकला। अब इस घटना को हम अगर रिकैप करें तो सबसे पहले मैंने परसीव किया था कि वह मुझे पैसा नहीं देंगे, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करेंगे, और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। जबकि उसके पूरा अपोजिट हुआ। तो इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमें सबसे पहली सीख मिलती है कि डू नॉट जज पीपल। हम बहुत जजमेंट रखते हैं लोगों के बारे में, सरकमस्टेंसेस के बारे में। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा। मैंने क्या जजमेंट बनाया था कि वह इरिटेटिंग रहेंगे और पैसा नहीं देंगे, जबकि वह कंपैशनेट थे, लविंग थे, केयरिंग थे और दूसरे पेशेंट से ज्यादा पैसा मुझे ऑफर कर रहे थे। दूसरी चीज हमें इस इवेंट से सीखनी पड़ेगी कि हम हमेशा वर्स्ट वे सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, मतलब सबसे बुरा हमारे साथ क्या होगा, जबकि भगवान या यूनिवर्स हमारे साथ बेस्ट वे पॉसिबल करता है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ हो सकता है प्रोबेबिलिटी वही हमारे साथ वह घटित करता है। वो माता जी 75 साल की थी और उनके हस्बैंड 81 साल के, और वह दोनों मिले ही अनाथ आश्रम में थे। क्योंकि वह जो इंसान थे उनके पति वह उन्हें अनाथ आश्रम में मिले थे, वहीं से वो माता जी कह भी रही थी कि हम मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ, और वो दिख भी रहा था उनके वर्ड से नहीं आचरण से कि वह उनकी सेवा। और जाते जाते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले गए। जिंदगी बहुत सिंपल है, हम खुद होके उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। सबसे पहले तो हम चीजों को गलत परसीव करते हैं। चीजों को जैसे है सही तरीके से परसीव कीजिए, जैसी है वैसी, जजमेंट मत लगाइए।
और हमेशा बेस्ट वे पॉसिबल मेरे साथ होगा, यह क्लेम कीजिए और इंसानियत रखिए। बस यही शेयर करना चाहता था। खुद का ख्याल रखिए।